नमस्ते, मैं हूँ मैथिली और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के व्लॉग में, मेरे YouTube चैनल मैथिलीज लाइव पर। आज के व्लॉग में मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। वैसे आप सभी लोग ऑलरेडी ऋषभ के व्लॉग में देख चुके होंगे कि हमारे पास बहुत सारे फर्नीचर्स आ गए हैं नए इस स्पेस के लिए, और हम लोग काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी लेते आए हैं, हारमोनियम, तबला या फिर जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्डिंग के समय में। उसको तो मैंने अब तक खोला भी नहीं है, तो थोड़ी देर में हम लोग वो भी चेक करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सामान है। वो सब देखने के लिए बने रहे इस वीडियो में, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमारा ये स्पेस थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है, तो आप सभी लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और ये जो आप ऑरेंज कलर का कॉर्नर देख रहे हैं, ये मैं स्पेशली पूरे थीम से थोड़ा अलग बना रही हूँ। और इधर मैं अपना सोलो कुछ रिकॉर्डिंग अगर करना हो तो मैं वो यहाँ पे करूँगी, मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा है। और इस पर बहुत सारा मुझे थोड़ा चित्रकारी करना है जो मैं खुद से करूँगी। मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ लिए हैं पिछले 3-4 दिन से, मैं यही ढूँढ रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या थोड़ा अलग कर सके, थोड़ा अलग कॉर्नर बना सके। तो मैंने कुछ सोचा है, मैं उसके लिए बहुत सारा पेंट, ब्रश सब लेके आई हूँ, और देखते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा हो पाएगा कि नहीं। अब हम लोग सबसे पहले वो इक्विपमेंट्स को अनबॉक्स करते हैं जो मैं 3-4 दिन पहले लेके आई, लेकिन वैसे का वैसे रखा हुआ है। करें शुरू। आप सभी लोगों को पहले ही बता दूं कि ये कोई भी ऐसा पेड प्रमोशन या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं वो मैं आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ। मैं आप सभी लोगों को बस उस चीज़ों के नाम बताती हूँ जो मैं लेकर के आई हूँ, बाकी इसको खोल के कैसे सेटअप करूँगी ये थोड़ा बाद में करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं अभी आप सभी लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो है हमारा नया माइक्रोफोन, और ये है NT2A कंडेंसर रोड का माइक्रोफोन है। और एक्चुअली हम लोग ये काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं, इसलिए इसमें मैं बहुत श्योर थी कि हाँ मुझे यही वाला माइक्रोफोन चाहिए यहाँ के लिए। दूसरी चीज़ है ऑडियो इंटरफेस, और ये मेरे लिए नया है क्योंकि मैंने स्कारलेट का यूज़ नहीं किया है, मैं इससे पहले वो छोटा वाला यूज़ कर रही थी। तो देखते हैं इसका क्या रिव्यू होता है, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। एक और माइक्रोफोन है जो कि है श्योर का SM58, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है लेकिन ये मैं पहली बार इस्तेमाल करने जाऊंगी यहाँ पे। और एक और माइक्रोफोन है, ये है पेंसिल कंडेंसर माइक्रोफोन, और ये स्पेशली तबला या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी हम लोग पहली बार यूज़ करेंगे, और ऋषभ आपको बताएगा बाद में कि इसको कैसा लग रहा है। बाकी ये केबल्स तो सबके साथ मैंडेटरी है, तो ये भी अलग से लेके आए। इसके बाद है मेरा फेवरेट हेडफोन्स, और जब हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, उसको एडिट कर रहे होते हैं, तो हम लोग कोई भी वैसा फैंसी हेडफोन यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी मतलब थोड़ा बेस बूस्टेड होता है उसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं दो लेके आई हूँ ताकि एक हनी यूज़ करे और एक मैं। उसके बाद में क्या लेके आई, उसके बाद बहुत सारे स्टैंड्स लेकर, क्या हो गया, निकल गया, लगा देना किसमें। हाँ, मैं बहुत सारे स्टैंड्स लेकर के आई हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। अच्छा, इसका बेस है अलग ना, मैं डर गई, मैं तोड़ताड़ के लाई हूँ। ये
माइक्रोफोन के लिए छोटे छोटे स्टैंड्स हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नीचे ही बैठ के रिकॉर्ड करने वाले हैं, कोई हाइट पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इस पर्पस के लिए ये माइक्रोफोन का स्टैंड है जो कि काफी यूजफुल रहेगा। फाइनली सारे स्टैंड सेटअप हो चुके हैं। अब मैं ये जगह थोड़ा सा खाली करूंगी, उसके बाद एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करूंगी और देखेंगे साउंड टेस्ट करके कि कैसा आ रहा है यहाँ पर साउंड। तो हम लोग थोड़ा अपना बेसिक सा सेटअप कर लेते हैं और एक दो लाइन गा के देखते हैं कि अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो फाइनली इतना ट्राई करने के बाद मैं ये नया इंटरफेस जो है वो सेटअप कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं थी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब चेक करके देखें कैसा रहा आवाज। मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ यहाँ से, ठीक है? ठीक है, कर ले। हमें एक मॉनिटर भी खरीदना चाहिए। चलो 1 2 3 स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे पूरा चेक कर चुके हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट फर्स्ट क्लास। अब मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि कब हम लोग फिर से सब लोग इकट्ठे होकर के इधर शूट करेंगे। तो बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ से वीडियो शूट करके यूट्यूब पे आप सभी लोगों के लिए अपलोड करने वाले हैं, तो आप सभी लोग ज़रूर इंतज़ार करिएगा। और चलिए तब तक मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ कि ये वाला जो एरिया है ऑरेंज वाला, यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ। तो उसकी मैं तैयारी अभी शुरू करती हूँ, आप लोग देखते जाइए जब मैं बनाना शुरू करूँगी। ये है मैं जिसकी बात कर रही थी, मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट है ये जो मैंने घोल बना लिया है। तो देखते हैं मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी बॉर्डर बनाने से। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और घर जाने का समय हो चुका है। और देखिए अभी मैंने बस थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि इसको पूरा कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि ये कंप्लीट होने के बाद ये कॉर्नर कैसा लगेगा और इसको मुझे बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।